नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां उनके तय किए गए कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत हाथों में झाड़ू लेकर अटल उद्यान में झाड़ू लगाई। इस दौरान उन्होंने अटल उद्यान में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि आने वाले समय में उज्जैन में मेले का आयोजन होने वाला है। उससे पहले उज्जैन शहर को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रथम स्थान पर लाना है। उसके बाद मुख्यमंत्री अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ किया। मेले का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उज्जैन, जहां पर उन्होंने मेले का शुभारंभ किया है। स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू भी लगाई है और इसी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 25 दिसंबर को होने वाले इंदौर दौरे को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव का यह पहला इंदौर दौरा है, जिसे लेकर जिला प्रशासन और बीजेपी दोनों ही अपने स्तर पर तैयारी में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर हुकुमचंद मिल के मजदूरों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को लेकर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसका दौरा करने संभाग आयुक्त, कलेक्टर, निगम आयुक्त समेत इंदौर सांसद, बीजेपी के दो विधायक और नगर अध्यक्ष कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। वहीं पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि पहली बार इंदौर पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा हुकुमचंद मिल मजदूरों को मुआवजा राशि का वितरण भी किया जाएगा। वहीं चौथे फेज के लिए 1,100 करोड़ रुपए से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। तारीख को अटल जी की जयंती रहती है और उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब से मतलब प्रधानमंत्री बने, तो जनता के हितों का उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री तक भी ये बात हमारे सांसद जी ने, हमारे नेताओं ने वहां तक पहुंचाई थी और उनका बड़ा ये था कि इसकी समस्या का निराकरण हो। तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर, मतलब मुख्यमंत्री यहाँ कार्यक्रम में आएंगे, प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़ेंगे, तो मजदूरों से चर्चा भी करेंगे। और जो एक बड़ा लंबे समय का जो संघर्ष था मजदूरों का, तो वो उसका परिणाम यहाँ पर मिलेगा। और जो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत मुख्यमंत्री ने की और उन्होंने कहा कि प्रदेश का समुचित विकास हो, यही सरकार की प्राथमिकता है। शहर आए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद विक्रमादित्य संकुल में संभाग में अधिकारियों की बैठक लेकर उनसे बातचीत की। वहीं विकास कार्यों को जानकारी लेकर समीक्षा की और जरूरी निर्देश भी दिए गए। बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री यादव ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि उज्जैन के साथ ही पूरे प्रदेश का समुचित विकास हो, इसके लिए अधिकारियों को प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महाकाल लोक बन जाने के बाद यहां आने वालों भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसको देखते हुए यात्रियों को सभी सुविधाएं मिल सके, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सिंहस्थ के लिए भी अलग से कार्य योजना बनाई जा रही है। देखिए, जैसे श्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास के मामलों को लेकर के सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, मध्य प्रदेश सरकार विकास के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता ध्यान दे रही है। मेरा प्रयास है कि उज्जैन संभाग सहित सभी संभागों में प्रदेश भर में विकास के सभी काम चलें और खासकर उज्जैन में तो 2028 में सिंहस्थ आ रहा है, कुंभ मेला आ रहा है। ऐसे में हमारे विकास के कामों को लेकर के तुरंत उस पर भी प्लान बनाने के लिए कहा है। और जो हमारे चलने वाले काम है, जो पूर्ववर्ती सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मंजूर थे, वो सारे कामों की गति बने। उज्जैन के विकास को लेकर के हम सबकी इच्छा है, क्योंकि उज्जैन के बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन एक तरह से माननीय मोदी जी के शुभारंभ करने के बाद ही। खबर खंडवा से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निकाली जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को जनपद पंचायत खालवा की ग्राम पंचायत खालवा पुलिस आबादी में संकल्प रथ के माध्यम से मौजूद ग्रामीणजनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश सुनाया गया।
इस दौरान आयोजित शिविर में सभी खंड स्तरीय विभाग प्रमुखों द्वारा अपने विभागीय योजना की जानकारी उपस्थित समुदाय को दी गई। जिला पंचायत के मुख्य के कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत सात्रीपुर नवास में आयोजित कार्यक्रम में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से ग्रामीण जनों को अवगत कराया गया है। खबर खंडवा से है, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निकाली जा रही है और इसी क्रम में शुक्रवार को जनपद पंचायत खलवा की ग्राम पंचायत खालवा पुलिस आबादी में संकल्प रथ के माध्यम से मौजूद ग्रामीणजनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश सुनाए गए और इस दौरान आयोजित शिविर में सभी खंड स्तरीय विभाग प्रमुखों द्वारा अपने विभागीय योजना की जानकारी उपस्थित समुदाय को दी गई। जिला पंचायत के मुख्य के कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत सात्री पुनर्वास में आयोजित कार्यक्रम में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से ग्रामीणजनों को अवगत कराया गया है। मध्य प्रदेश के प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंगार धार पहुंचे, जहां पर कांग्रेसियों ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं वे पहले प्रथमपुर पहुंचे, जहां पर जगह जगह उनका स्वागत हुआ, जिसके बाद लेबर होते हुए धार पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने आतिशबाजी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि सिंगार के वाहनों का काफिला इतना बड़ा था कि बस स्टैंड रोड पर देर तक जाम लगा रहा और पुलिस तमाशाबीन बनी रही। स्वागत करने वाले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार समेत पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा भी मौजूद रहे। उमंग सिंगार ने यह बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मुझे जो कांग्रेस पार्टी से जवाबदारी मिली है, हम मिलकर कांग्रेस का नया संचार करेंगे। वहीं बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को लाडली बहना का पैसा नहीं मिल रहा है, साथ ही धान खरीदी में भी किसानों के साथ वादा खिलाफी की जा रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि चुटकी लेते हुए विधानसभा में जो भाषण मुख्यमंत्री ने दिए हैं, ऐसे लगता है कि एक महापौर भाषण दे रहा है। मुख्यमंत्री को पूरे मध्य प्रदेश की बात करनी चाहिए। कोई के जिस प्रकार से मेरे और जीतू पटवारी जी के बनने से एक कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास है और हमारा दोनों की जवाबदारी है कि पूरी पार्टी में एक नवीन संचार करे, जोश का संचार, जोश भरे, कार्यकर्ताओं मनोबल ऊंचा करे, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम दोनों पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। देखिए, बिल्कुल पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले खड़ा करना है लड़ाई के लिए, उस लड़ाई के लिए हम ये आप चाहेंगे कि अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस जीते। जो जनता की बातें हैं, जनता का अधिकार है, जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में भी कही बात, उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे, जैसे अभी वादा खिलाफ भी करने लग गए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पाली पहुंचने पर भारी भीड़ उमड़ी, जहां शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि अपने समृद्धि और विकास का एक लंबा सफर मैंने तय किया है। अब हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में और उनकी टीम के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश और आगे बहुत बढ़ेगा और एक कार्यकर्ता के नाते मैं पूरा सहयोग करता रहूंगा। आखिरी सांस तक मैं अपनी जनता की सेवा पार्टी के माध्यम से करता रहूंगा। आज हमें मैया के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए मुख्यमंत्री प्रदेश का समुचित विकास करेंगे, जितनी चीज मैंने कही है वह उसे नहीं सरकार पूरा करेगी। इसी क्रम में जन भागीदारी अभियान परिषद ने माल्यार्पण कर शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। ने समृद्धि और विकास का एक लंबा सफर तय किया है। अब हमारे नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में और उनकी टीम के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश और आगे बहुत बढ़ेगा और एक कार्यकर्ता के नाते मैं पूरा सहयोग करता हूँगा। मैं अपनी बहनों के साथ हूँ, मैं अपने भांजे भांजियों के साथ हूँ और आखिरी सांस तक मैं अपनी जनता की सेवा पार्टी के माध्यम से करता रहूंगा। आज वीरासनी मैया के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। इंदौर में राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में इनकम टैक्स ने आईपीएस एकेडमी पर छापेमारी की है। इस दौरान इनकम टैक्स के कई अधिकारी मौजूद रहे और इनकम से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। एकेडमी ने फिलहाल किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है।
नरसिंहपुर में हर साल की भांति इस वर्ष भी मां नर्मदा परिक्रमा के लिए गांधी चौक नरसिंहपुर से बस रवाना की गई है। इस बस से 60 यात्री मां नर्मदा की परिक्रमा करेंगे। समाज सेवी मनीष जाटकाका ने 15 दिवसीय यात्रा के लिए यात्रा निःशुल्क की है। गांधी चौक से बस मां नर्मदा तट बरमान पहुंची। यहां पर मनीष जाट सहित उनके अन्य सहयोगी साथियों ने यात्रियों का स्वागत किया और सभी के साथ सामूहिक पूजा कर प्रसादों के पश्चात बस रवाना की। यात्रा में शामिल शोभाराम विश्वकर्मा, श्रीमती संध्याबाई डालचंद्र पटेल, श्रीमती मुन्नीबाई बद्री प्रसाद, रोहत कुमार, सुरेश साहू आदि यात्रियों ने बताया कि समाज सेवी मनीष जार द्वारा हमेशा जरूरतमंदों के लिए सहयोग किया जाता है। नरसिंहपुर में हर साल की भांति इस वर्ष भी मां नर्मदा परिक्रमा के लिए गांधी चौक नरसिंहपुर से बस रवाना की गई है और इस बस में 60 यात्री मां नर्मदा की परिक्रमा करेंगे। आपको बता दूं कि समाज सेवी मनीष जाट काका ने 15 दिवसीय यात्रा के लिए यात्रा निःशुल्क रखी है। एसडीएम मुकेश सिंह ने रैन बसेरे का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और जिले में तापमान में आ रही गिरावट के दृष्टिगत कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा अधिकारियों को रैन बसेरों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। एसडीएम ने रायसेन नगर में स्थित रैन बसेरा का निरीक्षण करते हुए सर्दी से बचाव के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रजिस्टर का अवलोकन किया और ठहरे हुए नागरिकों की जानकारी लेते हुए कर्मचारियों को निर्देश दिए कि रात्रि में तापमान में अधिक गिरावट होने से सर्दी बढ़ रही है, इसलिए सर्दी से बचाव के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएं। एसडीएम ने नागरिकों से भी चर्चा कर व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोहारा ग्राम कोपरो में जल संसाधन विभाग द्वारा जलाशय निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें समस्त ग्रामवासी द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है। दरअसल सर्वेक्षण के लिए जिस स्थान को चयनित किया गया है वहां गांव के 18 से 40 कृषक प्रभावित हो रहे हैं और बांध में 67 सेक्टर के कृषकों की जमीन डूब रही है, जिसके चलते प्रशासन के तत्काल प्रभाव से जलाशय के निर्माण की संपूर्ण कार्रवाई निरस्त करने के लिए गुहार लगाई गई है। ग्राम कोपरो आदिवासी ग्राम है, इसमें मेनकोर जलाशय जो हर चीज है इसमें अधिकारी लोग आकर यहाँ जो मौजार हर चीज ये कर रहे हैं, लोग इसमें तालाब बनाने के लिए चाह नहीं रहे हैं, इनको जबरदस्ती प्रसारित की गई है। ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और इसमें इन लोगों के द्वारा बार बार और ये जनता बार बार प्रसारित कर रही है कि ये तालाब निरस्त हो, तत्काल बंद हो जाए, न होना चाहिए। जबलपुर के भेड़ाघाट बाईपास स्थित अंधमुख स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। वहीं 8 दिनों से नेत्रहीन दिव्यांग छात्र स्कूल एवं छात्रावास की जर्जर बिल्डिंग एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हर दिन धरना प्रदर्शन करने के बावजूद जब प्रशासन ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने भूख हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया। वहीं सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की नींद टूटी और आनंद फानंद में अधिकारी लाल लश्कर के साथ स्कूल पहुंच गए, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत कर उनकी कुछ मांगे तत्काल मान ली गई। दिव्यांग छात्रों का कहना है कि वो बीते कई सालों से जर्जर बिल्डिंग और छात्रावास में रह रहे हैं। स्कूल में ना तो पढ़ाने के लिए शिक्षक है और ना ही उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं छात्रों ने प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं, जिस पर अधिकारियों ने जांच के बाद उचित कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है। शनिवार से हम लोग साधारण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 7 दिवस हो गए हैं और जब 7 दिवस होने के बाद भी प्रशासन ने हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो आज हमें भूख हड़ताल जैसी स्थिति में आना पड़ा। और हमारी जो मांग है कोई वैसे मांगे नहीं सर जो प्रशासन पूरी ना कर सके, हमारी मांगें वाजिब हैं शिक्षा को लेकर। हम यहाँ पर शिक्षा अर्जित करने आए और हमें शिक्षा ही अच्छे से नहीं मिलेगी तो हम कैसे आगे कुछ भी कर सकते हैं। इंग्लिश शिक्षक नहीं है सर हमारे यहाँ पे, पिछले 5 साल से शिक्षक नहीं है और हमारे यहाँ पे बिल्डिंग जर्जर है सर। हम दिव्यांग लोग हैं और जब हम कहीं भी जाते हैं जैसे वॉशरूम या कहीं जाते हैं तो पानी ऊपर से चूता है। कुछ मांगे थी हमारी जो जिसको आज जिसमें चर्चा हुई है, मांगों को पूरा समझा गया है। इसमें कुछ मांगों की हम लोग तात्कालिक तौर पे हम लोग व्यवस्था करवा कर दे रहे हैं।
कुछ में राशि की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में डिमांड भेज दी गई है। राशि प्राप्त होते ही उनको भी हम लोग यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, उनका नियमानुसार व्यय करके अधोसंरचनात्मक जो काम है हमारे पेंडिंग उनको टेकअप कर लिया जाएगा। रतलाम जिले के ग्राम डोडर में एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिया। उसने पहले बहू के साथ मारपीट की और बाद में उसे घर से बाहर निकालकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उधर पुलिस ने आरोपी जेठ को हिरासत में ले लिया है और पुलिस के अनुसार निर्मला के पति प्रकाश ने किसी कारण से रतलाम शहर के सालाखेड़ी चौराहे के समीप खुदकुशी कर ली थी। निर्मला अपने दो बच्चों के साथ डोडर स्थित ससुराल में ही रह रही थी। उसका जेठ आरोपी सुशील यह मानता था कि उसके छोटे भाई प्रकाश ने निर्मला की वजह से ही आत्महत्या की है। इसके चलते रंजिश के कारण आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। डोडर चौकी क्षेत्र में एक महिला है, निर्मला पति स्वर्गीय प्रकाश लाई, इनकी जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है महिला को किसी को जला दिया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची, महिला जली हुई अवस्था में थी और महिला को जो है पानी डालकर पुलिस के द्वारा ही बुझाया गया। उसके पश्चात उसके जो आरोपी था उसको राउंड अप किया गया। आरोपी जो है उसका जेठ ही था, जिसका नाम सुरेश पिता शंभूलाल बलाई, उम्र 40 वर्ष, वो भी साथ में ही रहता था। नरसिंहगढ़ में एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने फूलबाग चौराहा निवासी आरोपी नितिन साहू पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। बता दें कि आरोपी पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि महिला शिक्षिका को युवक आते जाते परेशान करता था, जिसकी महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने धारा 354 के तहत आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर पहले एक और मामला दर्ज हुआ है। नरसिंहगढ़ में एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने फूलबाग चौराहा निवासी आरोपी रतन साहू पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि आरोपी पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि महिला शिक्षिका को युवक आते जाते परेशान करता था, जिसकी महिला ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस ने धारा 354 के तहत आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है। महिला शिक्षिका ने आके रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके साथ में एक व्यक्ति आते जाते वक्त उसको टांट कसता है और आगे पीछे घूमकर उसके साथ छेड़खानी करता है। महिला की रिपोर्ट पर पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को पकड़कर माननीय न्यायालय पेश किया। उमरिया जिले के थाना नौरोजाबाद अंतर्गत 13 दिसंबर को घटना घटित हुई है, जिसमें आपको बता दें कि इस घटना में पुलिस जो है कार्रवाई में जुट गई है। और 13 दिसंबर को कंचन खुली खदान के बगल से लगे अरहर के खेत में डबल मर्डर की वारदात जो है सामने आई है, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं आपको बता दें कि 13 दिसंबर को एक महिला और पुरुष का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशन पर एक टीम गठित कर डबल मर्डर का खुलासा किया गया। आपको बता दें कि डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाने में थाना नौरोजाबाद पुलिस की अहम भूमिका रही। वहीं गिरफ्तार आरोपी को जिला जेल उमरिया के लिए रवाना कर दिया गया है। कोल फील्ड्स के पास एक टूअर खेत में एक डिकम्पोज्ड हालत में एक पुरुष और एक महिला की शव हमें बरामद हुआ, जो संदिग्ध हालत में जिसकी मृत्यु होना हमें प्रतीत हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे इंजरीज उनके स्कल पे और स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स थे। इस पर बड़ी मुश्किल से इनकी शिनाख्त की हुई कि मृतका 35 वर्षीय अमरती बैगा और पुरुष 30 वर्षीय शिव प्रसाद बैगा की डेड बॉडीज ये थी। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिसके घर चोरी हुई वह खेती व्यवसाय और प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करता है। दरअसल घर में प्रॉपर्टी सौदे के रुपये रखे हुए थे, जिसे चोर लेकर फरार हो गए। चोरी 50 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है, जिसमें सोने चांदी की जेवरात भी शामिल है। चोरी की यह वारदात थाने से महज कुछ ही दूरी पर हुई। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में चोरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाशी शुरू कर दी है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में शांतिनाथपुरी कॉलोनी में एक चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें फरियादी के लगभग 50
लाख के ऊपर का मशरूका उनके घर में रखा हुआ था जो कि अज्ञात चोरों द्वारा चुराया गया है। इस पर से मामला पंजीबद्ध किया गया है और सारी टेक्निकल टीम्स को घटनास्थल निरीक्षण के लिए भेजा गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और टेक्निकल एविडेंसेस को भी देखा जा रहा है। जल्द से जल्द इसमें आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी और खोया हुआ माल बरामद किया जाएगा। फरियादी को क्या इस मामले में अटैक भी आया है, रात को सुनने में आया? फरियादी के पिता जो हैं वो पूर्व से बीमारियों से ग्रसित हैं और उनको उसके बाद थोड़ा सा बीपी बढ़ने के कारण उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं, अभी तक की जानकारी के अनुसार घटनास्थल के आसपास से कोई सीसीटीवी फुटेज मिले नहीं है, लगातार जांच जारी है। शहडोल जिले में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और तालाब में घुस गया। इस दौरान दो लोगों की मौत हो गई है जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। शहडोल में खेत की जुताई कर लौट रहे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरा। ट्रैक्टर में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि ब्योहारी थाना के ग्राम बिरछा गांव में खेत की जुताई कर ट्रैक्टर लौट रहा था, तभी अनियंत्रित होकर तालाब में पलट कर गिर गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक प्रमोद पटेल और रामकेश पटेल निवासी बिजहा के घटनास्थल पर मौत हो गई है। यशवंत पटेल की हालत नाजुक बनी हुई है, फिलहाल इलाज जिसका जारी है। खबर उज्जैन से है जहां पुलिस की डायल 100 की गाड़ी में अचानक आग लग गई जिसे आम लोगों की सहायता से बुझाया गया। लोगों ने गाड़ी में से जैसे ही धुआं उठते देखा तो ड्राइवर को बताया और उसे नीचे उतारा। इस दौरान अस्पताल स्टाफ के कर्मचारी मदद के लिए मौके पर पहुंचे और फायरकस के मदद से आम आग पर काबू पाया गया। वहीं गनीमत यह रही कि लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते टल गया। सुरेश बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नाश शर्मा, आप सब लोगों के विदा, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।